सो हे गाइज, हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज मैं आप लोगों को अपना बैंगल्स कलेक्शन पार्ट 3 दिखाने वाली हूँ, जो कि मेरे पास है और मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया था वो वाला उस वीडियो में। तो चलो मैं आज आपको दिखाती हूँ मेरा बैंगल्स मेरे पास कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला बैंगल्स जो है वो है ये वाला बैंगल्स है, और ये मैंने 150 रुपये में साक्षी से लिया था। ओके, तो मेरा जो दूसरा बैंगल है वो है ये वाला, ये भी मेरे ख्याल से 150 तक का था। और एक बैंगल्स है ये वाला, ये हम देवघर से लिए थे और ये शायद 150 का ये भी था। और ये चूड़ी है, ये कांच की चूड़ी है, ये नॉर्मल बस ऐसे ही अच्छा लग रहा था तो लिए थे बस। और उसके बाद जो मेरे पास बैंगल है वो ये है, सो ये गाइज मेरा जो अगला बैंगल है वो है ये, दिखाती हूँ ये वाला। बस एक एक बैंगल्स आप पहन सकते हो, ये भी बहुत सुंदर लगता है। और ये वाला मुझे 50 रुपीज़ का मिला था, मैंने ऐसे लोकल मार्केट से लिया था। ये है मेरे पास अगला बैंगल, ये भी बहुत सुंदर है, अभी तक मैंने इसे वेयर नहीं किया है। ये था 90 रुपीज़ का, 150 90 रुपीज़ का देवघर से। ये वाला मुझे याद नहीं है मैंने कितने का लिया था, काफ़ी पहले ली हूँ तो मुझे आइडिया नहीं है। ये मल्टी कलर में लाख की चूड़ी है, इसका मैंने पहले ऑलरेडी दिखाया हुआ है तो मल्टी कलर में था। मैं एक्चुअली मैं भूल गई कि मैंने पहले दिखाया, अभी मुझे याद आ गया। तो अगला जो बैंगल है वो है ये भी लाख की चूड़ी है, इसलिए सब सारी चिपक गई है एक दूसरे में। ये बहुत सुंदर है, थोड़ी सी महंगी है, ये 300 का मुझे मिला था और बहुत खूबसूरत लगता है ये वाला बैंगल। अभी तक ये भी न्यू का न्यू रखा हुआ है, ये भी मैंने नहीं पहना है अभी तक। सो मेरे पास अगली जो चूड़ी है वो ये है, इस टाइप में मेरे पास बहुत सारी हो गई हैं क्योंकि ये आगे पीछे चूड़ी में मिल जाता है ना, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है घर में। तो ये भी लाख की चूड़ी है मेरे पास में, सो मेरे पास जो अगली मेरी चूड़ी है वो है ये, वो सेट, ये वाला 4 का सेट था, मैंने 2 पहले दिखा लिए 2 बाद में दिखाया, मैं भूल गई थी। तो ये वाला सेम फिर से वैसे ही, सो मेरे पास जो अगली चूड़ी है बैंगल्स है वो है ये वाली चूड़ी भी लाख की चूड़ी है। मुझे लाख की चूड़ियाँ बहुत पसंद है, इसलिए मेरे पास ज़्यादा ही मिल जाती है। ये देखो आप, ये लाख की चूड़ी है, ये वाला मुझे 250 रुपये का डब्बा मिला था, ये सब डब्बा ही रखी हूँ मैं। सो बस जो अगला बैंगल्स है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत हेवी भी है ये वाला है, ये
ये वाला 80 रुपीज़ का डब्बा, और बहुत कम में मुझे बहुत अच्छा मिल गया था ये वाला डब्बा। सो अगला जो बैंगल है वो है ये, मुझे 80 रुपीज़ का दो मिला था, और जो मेरे पास अगला बैंगल है वो है ये वाला, ये मुझे 50 रुपीज़ का चार पीस मिला था, ये भी बहुत सुंदर लगता है। सो मेरे पास जो अगला बैंगल है वो ये वाला है, ये कलरफुल बैंगल है। सॉरी थोड़ा आवाज़ आ रहा होगा, मैं मम्मी मिक्स पीस सॉरी। सो ये वाला जो बैंगल है ये अगला है, ये भी बहुत सुंदर है, कलरफुल है, मल्टी कलर में तो आप किसी भी पहन सकते हो। सो ये वाला जो बैंगल है, ये वाला एक्चुअली मैंने सावन में लिया था, इसी सावन में, तो ये वाला भी है। और जो फिर अगला बैंगल है वो थोड़ा सा नहीं, बहुत सुंदर है, ये देखो आप लोग मेरा बैंगल। सो नेक्स्ट है ये वाला, ये वाला बैंगल भी बहुत खूबसूरत है। और मेरे पास एक लास्ट ये वाला बैंगल है, तो ये वाला मैंने देवघर से लिया था, उन्होंने मुझे रेट बताया था 900 और दिया था मुझे 300 रुपये में ये वाला बैंगल। देवघर में बहुत कम प्राइस में मिल जाएगा आपको बैंगल्स अगर आप लेना चाहते हो तो। आपको मैं अभी अपने सारे बैंगल्स दिखाती हूँ एक साथ। मेरे पास बैंगल्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मुझे बैंगल्स बहुत पसंद है। मैं दिखाती हूँ, मैं हाथ पे नहीं आ रहा, ये देखो, ये 1 2 3 4, ये सारे मेरे बैंगल्स हैं, इधर भी इधर भी इधर भी, ये तो गाइज ये सारे मेरे बैंगल्स थे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। अब पार्ट 4 नहीं आएगा क्योंकि अब मेरे पास चूड़ियाँ नहीं बची हैं। बाय।